चीनू मीनू आओ जल्दी आओ, आओ पिताजी की मदद करें। क्यों, क्या हुआ बाज? रामू चाचा की बैलगाड़ी मिट्टी में फंस गई है, पिताजी उनकी मदद कर रहे हैं। हमें भी चलकर पिताजी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, आओ चलें। फुट्टा, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। पिताजी, मैं आपकी मदद करूंगा। ओहो मीनू, हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। आओ मुझे कस के पकड़ो और खींचो। मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी पूरा जोर लगाकर खींचूंगा। ओह राजा, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, अब तुम्हें भी जोर लगाकर खींचना होगा। मैं भी मदद करता हूँ। मैं भी पूरी ताकत से खींचूंगा। बैलगाड़ी निकल आई। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ। रुको बाज, तुम सबसे ताकतवर नहीं हो। धन्यवाद बच्चों। कोई बात नहीं चाचा, मैं सबसे पहले खड़ा था और मैंने सबसे ज्यादा जोर लगाया। तुम प्रथम नहीं थे बस, तुम सबसे आखिरी थे। मीनू, क्या मैं सबसे आखिरी था? तो फिर सबसे आगे कौन था? पिताजी पहले पहुँचे बस, वे पंक्ति में पहले पहुँचे। मैं दूसरे स्थान पर था, मीनू तीसरे स्थान पर थी। मैं पंक्ति में चौथे स्थान पर था, फिर राजा पांचवें स्थान पर। तो मैं सबसे आखिरी था, मगर मैं सबसे ताकतवर था। इन बतखों को देखो, ये पंक्ति में चल रहे हैं। सुनो बस, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बतखे हैं? ओह, मैं यह कैसे करूं? देखो, यहाँ बतखों की तीन पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में तीन बतखे हैं, तो यहाँ नौ बतखे हैं। सुनो मीनू, यह बहुत बढ़िया था। बस, क्या तुम अंदाजा लगाओगे कि वहाँ कितने चूजे दौड़ रहे हैं? अच्छा, दो और दो चूजे मिलकर हुए चार। यहाँ एक और पीछे भाग रहा है, तो यहाँ पांच चूजे हैं। बिल्कुल ठीक बस, आओ अब बाजार चलें। हमें माँ के लिए कुछ सब्जियाँ खरीदनी है। बाजार में बहुत मजा आता है। मीनू आओ चलें। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं। मुझे लगता है उसके पास 20 चूड़ियां हैं। मीनू, तुम्हें कैसे पता चला? देखो, यहाँ चूड़ियों की चार पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में पांच चूड़ियां हैं। 5 + 5 + 5 + 5 कुल हुए 20। तो यहाँ 20 चूड़ियां हैं। सुनो बस, जूतों की इस दुकान को देखो। मैं अंदाजा लगाऊंगा कि दुकान में कितने जूते हैं। क्या तुम यह कर सकते हो? हाँ, मैं बता सकता हूँ। देखो, यहाँ जूतों की तीन पंक्तियां हैं। हर पंक्ति में दो जोड़ी जूते हैं, तो यहाँ 6 जोड़ी जूते हुए। सुनो, यह मजेदार है। क्या मैं भी कोशिश करूं? मैं इन नींबुओं से कोशिश करता हूँ। ठीक, अब अंदाजा लगाओ।
क्या तुम बताओगे कि कितने नींबू हैं? ये नींबुओं के 5 समूह हैं। हर समूह में 3 नींबू हैं। तो मीनू मेरी मदद करो, यहाँ कितने नींबू हैं? बस देखो, यहाँ नींबुओं के 5 समूह हैं। प्रत्येक समूह में 3 नींबू हैं। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 बराबर 15। तो यहाँ 15 नींबू हैं। अब मुझे पता है। क्या मैं एक बार फिर बताऊं? मैं इस दुकान में अंदाजा लगाकर बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि यहाँ माचिस की कितनी डिब्बियाँ हैं। यहाँ माचिस की डिब्बियों के 4 समूह हैं। प्रत्येक समूह में 3 माचिस की डिब्बियाँ हैं। 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 बराबर 12। 12 माचिस की डिब्बियाँ। बिल्कुल ठीक बस। क्या तुम बताओगे कि माचिस की डिब्बी में कितनी तीलियाँ हैं? फुट्टा, मैं यह कैसे करूं? मुझे पहले माचिस की तीलियाँ गिननी है। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अंदाजा लगाओ कि माचिस की डिब्बी में 100 से ज्यादा तीलियाँ हैं या 100 से कम। यह आसान है मीनू। माचिस की डिब्बी में 100 से कम तीलियाँ हैं। बिल्कुल ठीक कहा बस। अब मुझे एक अंदाजा लगाने दो। फुट्टा, क्या मुझसे पूछोगे? अच्छा चीनू, तुम्हारे कितने दांत हैं? 50 से ज्यादा या 50 से कम? 50 से कम फुट्टा। मेरे मुंह में 50 से कम दांत हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ। उनको देखो, वे अंडे बेच रहे हैं। उनके पास कितने अंडे हैं? 10 से ज्यादा या 10 से कम? 10 से ज्यादा। उसके पास 10 से ज्यादा अंडे हैं। मीनू, अब तुम बताओ, उनके पास कितने खिलौने हैं? 20 से ज्यादा या 20 से कम? 20 से कम फुट्टा। उसके पास 20 से कम खिलौने हैं। बस अब तुम अंदाजा लगाओ, उसके पास कितने फूल हैं? 5 से ज्यादा या 5 से कम? वे 5 से ज्यादा हैं। उसके पास 5 से ज्यादा फूल हैं। क्या मैंने ठीक कहा? तुमने ठीक कहा बस। चीनू, अब मैं तुमसे पूछता हूँ। इधर देखो, क्या तुम मक्खियों की संख्या का अंदाजा लगा सकते हो? 50 से ज्यादा हैं या 50 से कम? ओ नहीं, वहाँ 50 से ज्यादा मक्खियाँ हैं। मीनू भागो भागो, राजा तेज भागो। ही ही, यह क्या है मीनू? ये फल है। देखो, उसने इन्हें समूहों में रखा है। प्रत्येक समूह में 10 फल हैं। मुझे भी देखने दो। पहले 4 हैं, फिर 3, 2 और 1। हाँ, प्रत्येक समूह में 10 फल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके पास 10 फल वाले 8 समूह हैं। उसके पास 10 जमात 10 जमात 10 जमात 10 जमात
दस, जमा दस, जमा दस, मतलब 80 फल है। तो उसके पास 80 फल हुए। 80? मुझे लगा उसके पास लगभग 100 फल हैं। नहीं बस, उसके पास सिर्फ 80 फल हैं। उसे 20 फल और चाहिए, फिर उसके पास 100 फल होंगे। कैसे? देखो, अब उसके पास 80 हैं। 10 और होने से 90 हो जाएंगे। तो उसके पास 90 फल होंगे। 10 फल और जोड़ने पर 100 फल हो जाएंगे। अब मुझे पता है, उसके पास अब 80 फल हैं। अगर 20 फल और हों, तो उसके पास 100 फल होंगे। बस इधर आओ, उसे तंग मत करो। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आओ दोस्तों, समूहों में गिनने के लिए तितली की मदद करें। बारह फल, छह बतखें, पांच जोड़ी झुमके, नौ मक्खियां, आठ पेंसिलें, दस प्याले, बारह फल। छह बतखें, पांच जोड़ी झुमके, नौ मक्खियां, आठ पेंसिलें, दस प्याले, दोस्तों क्या तुम संख्याओं का अनुमान लगा सकते हो? यदि तुम्हें उत्तर पता है तो जोर से अधिक या कम बोलना। क्या शुरू करें? आसमान में तारों की संख्या, क्या ये 100 से अधिक है या कम? सौ से अधिक। माचिस की डिब्बी के अंदर माचिस की तीलियों की संख्या, क्या ये 20 से अधिक है या कम? बीस से अधिक।
आपके मुंह में दांतों की संख्या? क्या ये 40 से अधिक है या कम? चालीस से कम। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्या 10 से अधिक या कम? 10 से कम। दोस्तों, तुम भी संख्याओं का अंदाजा लगा सकते हो। इसमें बहुत मजा है। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। क्या तुम साइकिल के पहिए में लगी तीलियों का अंदाजा लगा सकते हो? 50 से ज्यादा या 50 से कम? सोचो सोचो। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे।